नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इंडियन रेलवे ने हाल ही में देश के बिजी रूट्स पर प्राइवेट ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया था। अब रेलवे की ओर से इन 151 ट्रेनों के शुरू होने का एक संभावित टाइमलाइन भी बता दिया गया है। शुरू में सिर्फ 12 ट्रेनें ही चलाई जाएंगी और धीरे धीरे करके बाकी सभी 151 ट्रेनों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से रेलवे को सालाना लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है और इसके जरिए देश में करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। इन निजी ट्रेनों को इसलिए इंडियन रेलवे के ट्रैक पर उतारा जा रहा है ताकि ये रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया करा सके। भारतीय रेलवे को पूरा यकीन है कि उसकी रेल ट्रैक पर प्राइवेट ट्रेनों के संचालन शुरू होने के बाद जहां यात्रियों को सुविधाएं मिल पाएंगी, वहीं उसे निजी ऑपरेटरों से सालाना मोटी रकम भी मिलेगी। रेलवे ने साफ कर दिया है कि 70% प्राइवेट ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। इन ट्रेनों की डिजाइनिंग इस तरह से होगी कि ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सके। रेलवे के मुताबिक प्राइवेट ट्रेनों से यात्रा में शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों के बराबर या उनसे भी कम वक्त लगेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।